नमस्कार, एनटीआई पॉकेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। चचा शिवपाल के लिए जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने भतीजे का खेल बिगाड़ने का फैसला कर लिया, जहां अखिलेश बुआ यानी बसपा सुप्रीमो मायावती को साथ लेकर जंग जीतने की तैयारी में है, तो वहीं चचा उनकी उम्मीदों को पलीता लगाने में कसर छोड़ने वाले नहीं है। चचा शिवपाल की नई सियासी चाल भतीजे अखिलेश की राह का रोड़ा कैसे बन सकती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सपा के मशहूर चचा भतीजे की जंग एक बार फिर परवान चढ़ सकती है। चचा को पार्टी में कोई अहम ओहदा भी ना मिले और भतीजे का जिक्र प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो जाए, चचा जान को भला ये कैसे गवारा हो सकता है। लिहाजा एक साल से प्रस्तावित सेकुलर मोर्चा अस्तित्व में आ गया। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सम्मान में सेकुलर मोर्चा बनाया है। आरोप है कि अखिलेश यादव ने अपने वादे के मुताबिक 3 महीने में मुलायम सिंह यादव से लिया गया समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं लौटाया, और चचा शिवपाल यादव के मुताबिक शकुनी रामगोपाल अखिलेश को ऐसा करने भी नहीं देंगे। ऐसे में चचा के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय इसके कि एक नया फ्रंट बनाया जाए, जो अब बनकर तैयार है। नवगठित सेकुलर मोर्चा में कौन लोग शामिल हैं, इसका पता ईद के बाद ही चलने की गुंजाइश है। जानकार बताते हैं कि सतही तौर पर इस सेकुलर मोर्चा का लक्ष्य है सामाजिक न्याय दिलाना, पर हकीकत में पारिवारिक न्याय पाना ही इसकी बुनियाद है। समाजवादी पार्टी का जब मुलायम सिंह से शिफ्ट हुई वो अखिलेश के ऊपर, तो जाहिर है शिवपाल पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए। ऐसे में शिवपाल के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो उनके पास एक ही एजेंडा था कि किसी तरह से एक नया फ्रंट क्रिएट किया जाए और अपना जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, राजनीतिक अस्तित्व, उसे बरकरार रखा जाए। शिवपाल के धर्मनिरपेक्ष मोर्चे ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। ये तथाकथित सेकुलर मोर्चा कई निशाने एक साथ लगाने की कोशिश करेगा। भतीजे अखिलेश के अलावा कांग्रेस और भाजपा को भी साधने की कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस के सामने महागठबंधन और सपा के साथ की मजबूरी होगी, लेकिन भाजपा के लिए ये नुकसान का सौदा नहीं होगा। भाजपा की ये पुरजोर कोशिश होगी कि वो सेकुलर मोर्चे का समर्थन लेकर अपना वोट बैंक कुछ और बढ़ा ले। इसके अलावा बसपा के संभावित नाराज नेता भी सेकुलर मोर्चे का दामन थाम सकते हैं। कुल मिलाकर चचा हर वो प्रयास करेंगे जो भतीजे अखिलेश के राह में रोड़ा साबित हो। शिवपाल के सेकुलर मोर्चे का असर पड़ेगा 2019 के चुनाव में, लेकिन ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि कुछ एक सीटों पर उनके बागी कैंडिडेट वोट काट लें। इसके अलावा कुछ ज़्यादा असर होने की अभी तो कम से कम गुंजाइश नहीं दिखती। चचा भतीजे के सियासी जंग में बड़े चचा की भूमिका बेहद अहम होगी। बड़े चचा यानी राम गोपाल चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में होंगे। पुत्र मोह में बर्बाद हो चुके सपा के भीष्म पितामह मुलायम सिंह पर भी सबकी नजर होगी। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले ही सपा में जोरदार घमासान हो सकता है, लेकिन चचा भतीजे के इस जंग में भाजपा खुश है, बहुत खुश, इस उम्मीद के साथ कि सियासी मुनाफा उसकी झोली में होगा। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।